मैं नाविका आपका स्वागत करती हूँ NBC 24। पटना के मशहूर जिम ट्रेनर गोलीकांड में हुआ एक नया खुलासा। डॉक्टर दंपति सहित 6 लोग हुए गिरफ्तार। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर क्या कहते हैं पटना के SSP। रिलेटेड है ना ही खुशबू से रिलेटेड है। 2 लोग और हैं जो कि घटना में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी बाकी है, उनके गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। सर, ये घटना का प्रमुख और सबसे तात्कालिक कारण क्या है? सर्वाधिक प्रमुख कारण? सबसे तात्कालिक कारण कुछ नहीं, जैसे मैं बता, तात्कालिक घटना भी नहीं है। 2-3 महीने के लॉन्ग पीरियड में ये साजिश रची गई। साजिश कैसे रची गई आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया है। खुशबू के द्वारा अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट किया गया, दोस्त के द्वारा अपने कज़िन को कॉन्टैक्ट किया गया। उसका एक दोस्त अपराधी था, उसने कुछ और लड़के बुलाए और उसके बाद इस तरह से घटना घटी। खुशबू ने कहा कि ये मैं परेशान हूँ विक्रम से, ये मेरा जीना बर्बाद हो चुका है। विक्रम का वर्जन मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो एक अलग वर्जन है। इतना स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे संबंध थे जो संभव कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, या उस पर खटास आ गई थी और एक दूसरे की आँखों में दोनों चुभ रहे थे। FIR में इस बात का जिक्र है कि एक बार विक्रम कहता है एक बार और अटैक हुआ था, ब्लेड से अटैक हुआ था उसके बॉडी पे। लेकिन ये तो एविडेंट है कि घटना के दिन 5 गोलियां चली हैं और उसको लगी हैं और सौभाग्य से वो बच गया है। और डॉक्टर से क्या प्रयास है इकट्ठे किए इन दोनों के? क्या आपको इतना जैसे यही बता रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए। इतना जैसे यही बता रहे हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं, शूटर पकड़े गए, शूटर ने कन्वेस किया है, किसके कहने पर किया, घटना क्यों किया। जो मेन सेटर था वो पकड़ा गया है, उसने बताया किसके कहने से घटना किया था, क्यों किया। और डॉक्टर और उनकी पत्नी को हम लोग ने इसी हिरासत में लिया और उसको जेल भेजा। देखिए सिंपल सी बात है, डॉक्टर जो है वो एक पेशेवर प्रोफेशनल है, वो कमाने वाले हैं घर के। जो विक्टिम है उसका संबंध दोनों से है, सीरियल में मैंने आपको बताया। मिहिर बताता है कि खुशबू ने पैसा दिया, खुशबू ने मरवाया। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? 1,85,000। हु इज द अर्नर? चूंकि दोनों कन्फेस नहीं कर रहे हैं, सबूत दोनों के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कन्फेशन होता तो हो सकता है इसमें से कोई निर्दोष निकलता, लेकिन 18 के जो हम लोगों के आंखों के सामने धुंधलापन था, अब क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई द्वंद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज डिसीजन लिया कि उनको हम लोग जेल में जाएंगे। सर, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, हत्या करने की जो साजिश रची गई थी, इस बात की भनक डॉक्टर साहब को थी, डॉक्टर राजीव को, और ये जो पकड़े गए हैं लोग, इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? आपराधिक रिकॉर्ड है सबका, तीनों लोग हैं इसमें। जो अमन है, अमन का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मिला हम लोगों को। अमन रहने वाला है समस्तीपुर का। मोहम्मद शमशाद है, ये बेगूसराय का रहने वाला है। इसके ऊपर एक आम सर्डर केस है 2019 का, भगवानपुर थाना का। और आर्यन है, इसके ऊपर आम सर्डर केस है 2019 का, सोनपुर थाने का। डॉक्टर राजीव को ये जानकारी थी कि उनकी पत्नी ने ऐसा प्लानिंग की है? ये आपको उनसे पता करना पड़ेगा, हम लोगों ने प्रयास किया, पता नहीं चल पाया, वो कन्फेस नहीं किया। मिहिर मैंने आपको बताया, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसके सोशल बैकग्राउंड पर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में 5-6 साल पुरानी दोस्ती है खुशबू सिंह से। इतना से वही बता रहे हैं, कुल मिलाकर 900 कॉल हैं और लगभग 4 लाख सेकंड के कॉल हैं। उसके बाद हम लोग ने शूटर्स को पकड़ने के बाद तार जोड़ने के लिए शूटर्स के CDR का एनालिसिस किया। उधर हम लोग डॉक्टर और उनकी पत्नी के CDR का एनालिसिस कर रहे थे, इसमें पूरा पूरा क्लियर तार जुड़ता हुआ दिखा। जो मिहिर है उसने शूटर्स से बात की है। मिहिर ने अपने एक कज़िन जिसका नाम है सूरज के माध्यम से 2 लोगों को सेट किया और ये सेटिंग सावन के पहले हो चुकी है। और मिहिर के अनुसार ये सेटिंग के लिए पैसा 2.5 से 3 लाख उन लोगों ने मांगा था। और